इंदौर में गुरुवार रात दो जगह आगजनी हो गई। रात में करीब 1 बजे समाजवाद नगर के एक घर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते रुद्र रूप धारण कर लिया, जिसमें पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। इधर रात 9 बजे राज मोहल्ले में भी एक बैंक के ऊपर इमारत में आग लग गई, जिससे जो है सर्वर रूम पूरी तरह जल गया। देखिए खबर। फायर ब्रिगेड के मुताबिक रात 1:15 पर उन्हें सूचना मिली थी, समाजवाद की गली नंबर 7 में एक घर में आग लगी है। यहां मौके पर पहुंचकर करीब 1 टैंक से अधिक पानी डालने के बाद आग पर काबू किया गया। आग मधुकर पुत्र बाबूलाल वेड़कर के घर में लगी थी। आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सक्रिय गलियां होने के चलते दमकलों को अंदर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजमोहल्ला चौराहे के पास गुरुवार देर रात HDB बैंक के सर्वर रूम में आग लग गई। यहां रात को सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसमें एक टैंक पानी डालकर आग पर काबू किया गया। इस दौरान यहां सर्वर रूम के साथ इलेक्ट्रिक आइटम और फर्नीचर पूरी तरह से जल गया। उक्त बिल्डिंग में और भी ऑफिस व दुकानें हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दमकल कर्मियों ने आग को आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।